Hello students, this is Ikram from AICC YouTube channel. आज class 10th English book के पहले lesson the enchanted pool के बचे हुए भाग का अध्ययन करते हैं. Students, मुझे बताना था कि कल मैं recording कर रहा था, उस समय कुछ technical fault की वजह से पूरा video load नहीं कर पाया था, जिसकी वजह से बचा हुआ भाग आज मैं लोड कर रहा हूं, तो आप लोग ध्यान दें. चलिए स्टार्ट करते हैं. एवरी डे मैन सी क्रिएचर्स डिपॉज टू यामास किंगडम. एवरी डे प्रत्येक दिन मैन सी लोग देखते हैं क्रिएचर्स प्राणियों को डिपॉर्ट अलग होते हुए जाते हुए यामास किंगडम यामा के किंगडम के लिए यामा के शासन क्षेत्र में जाने के लिए. एंड यट और फिर भी दोज हु रिमेन वे लोग जो बचे हुए हैं वॉन्ट टू लिव फॉर एवर सदा बचे रहना चाहते हैं सदा जीवित रहना चाहते हैं. दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर. वास्तव में ये एक बहुत ही बड़ा आश्चर्य है. दस इस प्रकार द यक्षा पुट मैनी क्वेश्चंस. यक्ष ने बहुत सारे प्रश्न रखे. एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल और युधिष्ठिर ने उन सब का उत्तर दिया. इन द एंड अंत में द यक्षा ने पूछा ओ किंग हे राजा वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स तुम्हारे मरे हुए भाइयों में से एक भाई कैन नाउ बी रिवीव्ड पुनर्जीवित हो सकता है उसे जीवित किया जा सकता है. हु डू यू वॉन्ट टू कम बैक टू लाइफ. हु डू यू वॉन्ट तुम किसे चाहते हो टू कम बैक वापस लाना टू लाइफ जीवन में. इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट. इट टुक इसमें लगा युधिष्ठिर को ए मोमेंट एक क्षण टू थिंक सोचने में. दैट देन ही विश्ड तब उन्होंने विश किया इच्छा जताई. दैट द क्लाउड कॉम्प्लेक्स कि काली त्वचा वाले लोटस हाइट कमल नयन वाले ब्रॉड चेस्टेड चौड़े सीने वाले एंड लॉन्ग आर्म्ड नकुला और लंबी भुजाओं वाले नकुला को. लाइंग लाइक अ फॉलन इबोनी ट्री. लाइंग जो पड़े हुए हैं लाइक ए फॉलन इबोनी ट्री एक आबनूस के लट्ठे के समान उसके पेड़ के समान. माइट अराइज जीवित किया जाना चाहिए. द यक्षा वॉज प्लीज्ड. यक्ष प्रसन्न हुए एट दिस इस पर. एंड आस्क युधिष्ठिर और युधिष्ठिर से पूछा व्हाई डिड यू चूज नकुला आपने नकुल को क्यों चुना. इन प्रिफरेंस टू भीमा भीमा को चुनने के बजाय. हु हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स. हु हैज़ द स्ट्रेंथ जिसके पास शक्ति है ऑफ 16,000 एलिफेंट 16,000 हाथियों का. आई हैव हर्ड दैट भीमा इज मोस्ट डियर टू यू. आई हैव हर्ड मैंने सुना है दैट भीमा इज मोस्ट डियर कि भीम तुम्हें प्रिय हैं बहुत प्रिय हैं टू यू तुम्हें. एंड वाई नॉट अर्जुना और अर्जुन क्यों नहीं. हुज स्ट्रेंथ जिनकी शक्ति इन आर्म्स भुजाओं की इज योर प्रोटेक्शन तुम्हारे बचाव के लिए तुम्हारे रक्षा के लिए है. टेल मी मुझे बताइए वाई यू चूज नकुला आपने नकुल को क्यों चुना रेदर दैन आइदर ऑफ दीज टू इन दोनों को चुनने के बजाय. युधिष्ठिर रिप्लाइड युधिष्ठिर ने उत्तर दिया ओ यक्षा हे यक्ष धर्मा इज द वनली शील्ड धर्म एक मात्र एक रक्षक होता है ऑफ मैन मनुष्य का. एंड नॉट भीमा और अर्जुना भीम और अर्जुन नहीं. इफ धर्मा इज गिवेन अप यदि धर्म को त्याग दिया जाए यदि धर्म को छोड़ दिया जाए मैन विल बी रुइंड तो मनुष्य बर्बाद हो जाएगा. कुंती एंड माद्री वर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर. कुंती और माद्री वर द टू वाइफ्स दो पत्नियाँ थीं ऑफ माई फादर
मेरे पिता के, आई एम अलाइव, मैं जीवित हूँ, ए सन ऑफ कुंती, कुंती के एक पुत्र के रूप में, एंड सो शी इज़ नॉट कम्प्लीटली ब्रीफ्ड, इसलिए उसे सहन करने में उतना दुख नहीं होगा, इन ऑर्डर ताकि दैट द स्केल ऑफ जस्टिस, न्याय का पलड़ा, मे बी इवन बना रहे, आई ऑस्क, मैंने कहा दैट माधुरी सन, कि माधुरी के पुत्र नकुला, मेरी वीव नकुला को जीवित किया जाए। द यक्ष वॉज मोस्ट प्लीज, यक्ष बहुत प्रसन्न हुए विथ युधिष्ठिर्स इम्पार्शलिटी, युधिष्ठिर के भेदभाव रहित आचरण से, एंड ग्रांटेड, और मान लिया दैट ऑल हिज ब्रदर्स, कि उनके सभी भाई वुड कम बैक टू लाइफ, वापस जीवन में आएंगे। इट वॉज यामा, ये यामा थे, द लॉर्ड ऑफ द डेथ, जो मृत्यु के, मौत के स्वामी हैं, यामा अर्थ यमराज से है, हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ द यक्षा, जिन्होंने, हु हैड टेकन द फॉर्म, जिन्होंने रूप धारण किया था ऑफ द यक्षा, यक्ष का, सो दैट, ताकि ही माइट सी, वो देख सकें युधिष्ठिर, युधिष्ठिर को, एंड टेस्ट हिम, और उनकी परीक्षा ले सकें, ही एम्बैरेस्ड युधिष्ठिर, ही एम्बैरेस्ड, वो प्रभावित हुए युधिष्ठिर, युधिष्ठिर से, एंड ब्लेस्ड हिम, और उन्हें वरदान दिया, देन ही डिसअपियर्ड, और उसके बाद वो गायब हो गए, चले गए।